सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे आज राम मंदिर के लिए मान्य हुआ है तो वैसे ही वो सभी चीज पे मान्य होगा। ये देश तो संविधान से चलता है, कानून के हिसाब से चलता है। जब से बीजेपी आई है जब से जनता कोई खुश नहीं है। स्वागत करता हूँ मैं उमराज सरदारा आप सभी का आवाज इंडिया की उसी शो में जिसका नाम है आवाज आपकी। दोस्तों इस वक्त हम लोग नागपुर के बरडी परिसर में बरडी एरिया में हैं और हाल ही में 2-3 दिन पहले एक नार्वेकर जी ने जो फैसला दिया था कि शिंदे ग्रुप के जो 16 आमदार है वो अपात्र नहीं है बल्कि वो आमदार सही है और शिंदे ग्रुप को ही शिवसेना दी गई, इस बारे में नागपुर की आम जनता की अपनी क्या राय है ये तो आम जनता ही बता पाएंगे। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, ढूंढते कुछ लोगों को और जानते हैं उनका अपना क्या कहना है। क्या उद्धव जी के पक्ष में शिवसेना आनी चाहिए थी या फिर शिंदे जी के पक्ष में ही वो उचित है, ये लोगों से बातचीत करके ही पता चलेगा। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं। अभी जो नानवकर जी ने जो फैसला दिया है वो फैसला शिंदे के पक्ष में दिया है कि शिंदे की सरकार को ही शिवसेना का चिन्ह और उनके 16 विधायकों को पात्र करार दिया गया है, तो क्या फैसला उचित है, आप उससे सहमत है? बिल्कुल सहमत नहीं है। नहीं है क्योंकि जो हम सरकार जब गिरी या गिराई गई उसके बाद गिराई गई आपके हिसाब से गिराई गई अंडर प्रेशर और उसके बाद से जो उथल पुथल महाराष्ट्र में मची है तब से लेके अभी तक जिस तरीके से उन आमदारों को ले जाया गया और अंडर प्रेशर शिवसेना तोड़ी गई वो सारा मंजर पूरे दुनिया ने देखा, महाराष्ट्र ने देखा। और ये जो निर्णय है एक्चुअली ये महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए कुछ लोगों को कुछ नया नहीं लगा, ये तो मेरे ख्याल से होना ही था क्योंकि उसी तरीके से सरकार काम कर रही है। सरकार उसी तरीके से काम कर रही है कि नार्वेकर जी उन्हीं का इसका व्यक्ति है, संवैधानिक पद पे जरूर बैठे लेकिन निर्णय उन्होंने उचित तो नहीं दिया है। संवैधानिक नहीं है। मूल शिवसेना बाड़ा साहब ठाकरे की थी और जो निर्णय उन्होंने बिना बायस के लेना चाहिए था वो नहीं लिया तो साफ दिख ही रहा है, साफ दिख ही रहा है। और शायद यही निर्णय आने वाले समय में राष्ट्रवादी के लिए भी आए और ये चल रहा है और सब देख रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि लोकशाही वार्ता में जो एक समाचार आया था उस समाचार में श्याम मानव जी ने जो खुलासा किया उस खुलासे के बाद में उस चैनल को 1 महीने के लिए बैन कर दिया गया। क्यों किया गया और उन्होंने उसमें कहा, मैंने भी वो क्लिप देखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो जो घटनाएं सरकार की वास्तव से लेकर अब तक हुई है वो सारा उन्हें उस मंत्री ने बताया था। महाराष्ट्र देख ही रहा है ये सब बातें और ये चलेगा अभी तो इसकी लाठी उसकी भैंस। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं तो कहीं तो भाई ये तानाशाही की सरकार चल रही है। बिल्कुल है, ये जुडिशियरी ब्यूरोक्रेसी और जितनी स्टेट मिशन है सारे पे कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ईडी सिर्फ एक पक्ष को छोड़ के बाकी सारे विपक्षियों पे हमला करती है, बेल करती है। सारा देश देख ही रहा है, सब देख रहे हैं सिर्फ। तो उद्धव जी ने अभी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? उनके पास में दूसरा रास्ता क्या है? जो संवैधानिक तरीका है कि संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नार्वेकर की तरफ जाइए, अब नार्वेकर जी की तरफ से उनको न्याय नहीं मिला तो उनके पास ये रास्ता सुप्रीम कोर्ट का। जिस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है वो सिचुएशन को देखते हुए क्या उद्धव जी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले पाएगी? क्योंकि जिस तरह से माहौल अभी आपने जैसा बताया और हम सब लोग देख रहे हैं जिस तरह का माहौल बना हुआ है कि सारे एक पक्ष को लेके ही चल रहे हैं, तो क्या ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उचित निर्णय दे पाएगा, संवैधानिक निर्णय ले पाएगा या उसके ऊपर भी प्रेशर बनाया जाएगा? देश में एक ही संस्था बची सुप्रीम कोर्ट जिसके ऊपर भी देश का भरोसा टिका हुआ है और उनसे तो अपन हमने सबने उम्मीद करना ही चाहिए कि उन्होंने उचित निर्णय देंगे और न्याय करेंगे। कोई तो उम्मीद बची बताई और कौन बचाए, देश बचाए कोई बचा ही नहीं है। तो क्या उसे भले ही हमारी उम्मीद लगी है लेकिन क्या उस उम्मीद पे सुप्रीम कोर्ट खरी उतर पाएगी या फिर मेरा जब संविधान पे विश्वास है और हम उसको एक सबसे महत्वपूर्ण अंग मानते सुप्रीम कोर्ट को, तो मेरा विश्वास है कि उन्होंने ऐसा निर्णय देना चाहिए।
अब ये होगा या नहीं ये तो समय बताए, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के पास भी आज देखिए कि देश के जितने बड़े निर्णय होने हैं वो तो सारे उनके पास में है। आज चाहे तुम अंबानी का निर्णय लो या नोटबंदी का लो या जितने बड़े बड़े मामले आज उनके पास पड़े हैं, लेकिन जिस गति से वो होना चाहिए वो भी थोड़ी लगता है कि धीरे है, फिर भी उम्मीद तो उसी पे ही है, आखिरी उम्मीद उसी पे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। कि राहुल नार्वेकर जी ने एक फैसला दिया था शिंदे ग्रुप के जो 16 विधायक हैं और उनको लेकर जो फैसला आया कि वो विधायक अपात्र नहीं है, साथ ही साथ शिवसेना किसकी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? नार्वेकर जी का जो फैसला है उस फैसले पर आप क्या कहेंगे, क्या वो फैसला उचित है? जो कोर्ट ने फैसला दिया है उस हिसाब से नार्वेकर जी ने फैसला दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से जो नार्वेकर ने जो फैसला दिया है वो कोर्ट को और उनके जो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है विधानसभा के उसको मद्देनजर रख के ही उन्होंने दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से वो उचित है। वो उचित है, लेकिन कहीं तो भी शिवसेना जो उद्धव जी के पक्ष में आनी चाहिए थी वो आज शिवसेना कहीं तो भी शिंदे जी के पास में है, तो क्या ये उचित है? मतलब कमाई किसी और की और किसी और को दी जा रही है? नहीं तो ये तो राजकारण हो गया ना उनका। हाँ। कि जैसे अभी बच्चा जैसे बैट बॉल खेलते बचपन में तो लोग बोलते हैं कि जैसे आपने बैट हुई तो मेरी बैटिंग, या ऐसा थोड़ी ना, ये थोड़ी ये है ना, तो राजनीति है ना। ये शिवसेना किसकी होनी चाहिए आपके हिसाब से? जिसमें दम है, नहीं अभी तो बात जिसके पास में आमदार है, बराबर है ना, तो आमदार तो दोनों के पास है ना, वो दोनों के पास है, लेकिन ज्यादा किसके पास है? उसकी शिवसेना। वो थोड़ी ना है कि अभी मेरी बैटिंग है, मैंने बैट लिया तो मैं ही बैटिंग करूंगा। अच्छा। मेरे पिताजी की बैट है तो मैं ही करूंगा, ऐसे थोड़ी होता। तो मतलब आप उस फैसले से सहमत है? जैसे नार्वेकर जी के फैसले से आप सहमत है? हाँ, कोर्ट के फैसले से जो भी उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो फैसला लिया है उसमें हम सहमत है। अच्छा अच्छा, तो कहीं तो भी जो उद्धव जी बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो क्या उन्होंने जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, अगर उनको लगता है कि उनके साथ में अन्याय हुआ है। हाँ। तो बिल्कुल जाना चाहिए। तो आपके हिसाब से उनके साथ में अन्याय हुआ है या नहीं हुआ है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना सर। आपके हिसाब से, मैं आपका पर्सनल, मेरा पर्सनल का क्या लेन देन है इसमें? मेरा सर, हम लोग तो आम नागरिक है ना, इसी देश के नागरिक है। हाँ। और उसी राष्ट्र में जिस राष्ट्र में सारी चीजें हो रही है, फिर भी जो कोर्ट फैसला देगा उस हिसाब से ही होगा। हाँ। लेकिन ये उनका बचपना है कि वाह मेरे पिताजी है तो वो मेरी सेना है, ऐसा नहीं है। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं यही बात से सहमत हूँ कि देखिए कैसा है कि आखिर में घरानेशाही जो है। हाँ। आज राष्ट्र चलाना है तो ठीक है, आप में कैपेबिलिटी है, आप चला सकते हो उसके लिए, लेकिन आप जैसे जैसे चल रहे हैं जो परफॉर्मेंस कर सकता है उसने आगे चलाना चाहिए, वो शिंदे रहे या कोई और भी कोई गट रहे, अगर जो सामान्य कार्यकर्ता अगर आगे आता है तो उसको मिलना चाहिए, ऐसा नहीं मेरे पिताजी तुम रहते वो तो क्या है फिर घरानेशाही है। तो घरानेशाही तो हर जगह चल रही है सर। नहीं लेकिन अभी नहीं चाहिए ना लोगों को। नहीं हर जगह चल ही रही है सर। सर चल नहीं, अभी देखो पहले चलती थी, सारे पक्षों में चल रही है। नहीं ना, आप बीजेपी में देखो ना, कौन सी घरानेशाही है? क्यों नहीं सर, बिल्कुल आप बताइए एक आधा एग्जाम्पल जो घरानेशाही में है बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट, आप बता दीजिए। बहुत से सर, बता दीजिए ना, आप ही बता दीजिए, मेरे को तो नहीं मालूम, आपको अगर है एक भी नाम बता दीजिए कि भैया ऐसा है। देखो सर ऐसा जो परफॉर्मेंस है आज बीजेपी जो जिससे अपन गुजर रहे हैं, आफ्टर ऑल देश का भला होना ये सबका ये है, ये राजनीति में आम आदमी का वैसे भी यानी वो खराब होता है, आम आदमी को कुछ लेन देन नहीं है, उद्योग पकड़े या कोई पकड़े, राष्ट्र के हित में जो काम करेंगे उसको देना चाहिए। तो मेरे पिताजी अगर मैं बहुत सालों से तो राज्य वो ऑटोमेटिक वो काम करने का परफॉर्मेंस नहीं दिखता और अपन ने देख चुके हैं, अगर उनका ही एक सामान्य कार्यकर्ता आगे आके चला सकता है और उसको चांस मिलना चाहिए, अदरवाइज वो क्यों कार्यकर्ता आपसे जुड़े रहेंगे? जस्ट मराठी माणूस है इसलिए नहीं, दिस इज नॉट अ मराठी माणूस, दिस इज द राष्ट्रभक्ति के लिए जो काम करेंगे वो करेंगे, जो अच्छे फैसले राष्ट्रभक्ति आप समानते बिल्कुल राष्ट्रभक्ति के लिए और राष्ट्र के हित में जो भी करेंगे वो कल जाके राहुल गांधी जी भी करेंगे तो भी उनको चांस मिलेगा, ऐसा नहीं कि ये कर रहे तो वो कर रहे हैं, लेकिन चांस तो जो काम कर रहे हैं उसको चांस देना है, उसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे पूर्वज, वो आपका नसीब कब आ गया उनके? आप नसीब मानते हैं? वो उन उद्धव जी का नसीब है कि वो बालाजी के बच्चे हैं, अदरवाइज उनको कहाँ से आएगा ना पलटा? अगर उनको सही में है तो वो परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। नहीं लेकिन सर हम लोग अगर देखें तो वकील के बच्चे आमतौर पर वकील होते हैं, डॉक्टर के बच्चे सर, तो ये घर घर तो नहीं बोला जाएगा ना? नहीं नहीं देखो पढ़ाई करना, पॉलिटिक्स भी तो एक पढ़ाई है ना?
नहीं, आपकी बात सही है, पॉलिटिक्स एक पढ़ाई है, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस करना पड़ेगा ना। हाँ, तो हर फील्ड में तो हर सेक्टर में परफॉर्मेंस तो हर सेक्टर में है सर। चांस तो उनको भी मिला था, पर वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, या जो भी बचा नहीं पाए अपनी शिवसेना, जो मतलब उनके परफॉर्मेंस की वजह से ये लोग छोड़ के, आपका ऐसा कह रहा है? हो सकता है, हो सकता है ना यार, अगर लीडर आपका बराबर नहीं है तो लीडर से सहमति नहीं तो छोड़ सकते हैं। कल अगर मोदी के साथ शाह जी की नहीं जम रही और उनका परफॉर्मेंस नहीं, कल ये भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है, ऐसा उसमें कुछ ये नहीं, परफॉर्मेंस बेस रखिए, परफॉर्मेंस बेस पे ही है। अब वकील तो उद्धव जी ने अभी क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखो सर, उद्धव जी भी एक समझदार व्यक्तिमत्व है, ठीक है, उनको अगर ऐसा लग रहा है तो उन्होंने न्यायालय तो अपने आखिर में है, उनसे वो फैसला जो भी आएगा उसको स्वीकार करना चाहिए, और अपने शिवसेना भले ही अभी उनके पास आमदार नहीं, लेकिन फिर से रीस्टार्ट करके वो कर सकते हैं। चल, बहुत वो उनका कर सकते हैं। चल। बहुत बड़ा सवाल पूरे राष्ट्र में घूम रहा था, देश भर में घूम रहा था कि आखिर शिवसेना किसकी, और नार्वेकर जी ने फैसला भी दे दिया कि ये जो 16 शिंदे ग्रुप के जो 16 विधायक थे वो विधायक अपात्र नहीं है, शिवसेना शिंदे ग्रुप की है, तो क्या ये फैसले से आप सहमत हैं? ये तो एक अपना कानूनी प्रक्रिया के तहत लिया गया फैसला है, तो इसको तो उद्धव जी को भी मानना चाहिए। मानना चाहिए जी हाँ। अच्छा, अब वो ऐसा है कि फैसला उनके खिलाफ आया है तो वो तो इसका तिरस्कार करेंगे, बोलेंगे कि ये मैनेजेबल डिसीजन है और उसकी वजह से ऐसा हुआ है करके, तो ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है, नहीं। मतलब आपको लगता है कि ये फैसला एकदम उचित है? सुप्रीम कोर्ट के लॉ के हिसाब से ही नार्वेकर जी ने इसको कोड किया है, लेकिन कहीं तो भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा प्रेशर भी दिया था, इसका फैसला बहुत जल्द देना था, बहुत डिले भी हो गया है फैसला। वो अब उसके बारे में अपन बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकते कि डिले क्यों हुआ करके, अब उसमें लोगों को ऐसा लगता है कि भाई सरकार के प्लस चल रहा है तो सरकार के ने मैनेज करके इसको लिया है करके, लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट में अभी उद्धव जी जा रहे हैं या पिटीशन तो क्या डाला, सुप्रीम कोर्ट जाना उचित है आपके हिसाब से? ये आज अपने देश के अंदर में सबको संवैधानिक अधिकार है, अगर वो अगर सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव जी के पक्ष में फैसला दिया तो फिर क्या? तो वो तो उसको मान्य करना पड़ेगा ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे आज राम मंदिर के लिए मान्य हुआ है तो वैसे ही वो सभी चीज पे मान्य होगा, ये देश तो संविधान से चलता है, कानून के हिसाब से चलता है। नहीं तो मान लीजिए अगर कल को सुप्रीम कोर्ट फैसला ये देती है उद्धव जी के पक्ष में, तो फिर ये जो नार्वेकर जी ने जो फैसला दिया क्या ये फैसला उचित है अगर कल का ऐसा फैसला होता है तो? नहीं, वो तो अभी भविष्य की बात है ना, ऐसा होता है तो वाली बात है। हाँ। अगर वो रहेगा, सुप्रीम कोर्ट भी उसके जजमेंट को देखेगा, क्योंकि नार्वेकर जी ने जो जजमेंट दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ही दिया है ऐसा उनका कहना है, कि अगर वो कल वहाँ पर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट गए उद्धव जी, तो वहाँ पर भी उनको देखना पड़ेगा, तो पता चलेगा। कल को ऐसा नहीं हो सकता क्या कि राष्ट्रवादी के लिए अजीत दादा पवार भी अपना ये करे और उनके पक्ष में राष्ट्रवादी आए? ये तो होना ही चाहिए, अभी चल ही रहा है ऐसा, वो भी वही करेंगे, लड़ाई है तो होगी, सिंबल की लड़ाई है। हाँ। पार्टी की लड़ाई है, तो ये तो कानूनन प्रक्रिया से ही होना चाहिए। कल को अगर राष्ट्रवादी पे ये बात उठती है तो राष्ट्रवादी किसके पक्ष में जाएंगी फिर आपके हिसाब से? ये तो फिर वही बात होगी ना, कानूनन प्रक्रिया देखी जाएंगी उसमें। अच्छा। और दोनों पक्ष का, क्योंकि इनका पक्ष का भी अपना कोई कानून रहता है। हाँ। है ना, उसको ओवरटेक करके अब ये लोग जाएंगे कहाँ, अगर उसको पक्ष के कानून, तो पक्ष, के कानून नहीं मान रहे। पक्ष के कानून के तहत अगर मान लीजिए उस पक्ष में जो कुछ भी क्लॉज लिखे होंगे उसमें अगर वो परंपरागत उद्धव जी के पक्ष में अगर आनी है और वो अगर इनके पक्ष में चले गए तो फिर क्या? समझा नहीं, उनके जो क्लॉज लिखे होंगे पक्ष के इसमें, नहीं तो वो यहाँ पर वैलिड नहीं है ना, वो तो भाई अगर उस हिसाब से तो ज्यादा क्वांटिटी किन के तरफ है, इनके तरफ। हाँ। शिंदे जी के तरफ। हाँ। तो वो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उद्धव जी। अच्छा, क्योंकि विधायक की संख्या इनके पास जाता है तो इनका व्हीप उनको लेना पड़ेगा, जैसे इन्होंने पहले उद्धव जी ने के तरफ से पहले व्हीप जारी हुआ था कि जितने भी लोग बाहर गए हैं वो व्हीप जारी करके कि आप वापस आओ, वो उनकी पार्टी के अंदर का जो रूल चलता है उसके तहत, वो नॉर्म्स के तहत उन्होंने व्हीप जारी किया था, लेकिन शिंदे जी के पास संख्या बल ज्यादा होने के कारण उनका व्हीप पार्टी के नियम के हिसाब से उनको लागू नहीं होता। लेकिन बीच में जिस तरह का एक चर्चा चली थी कि इन लोगों को जबरन ले जाया गया, अब वो तो वो भी एक मायने रखती है। जो बातें हैं अभी तो पक्ष के अंदर में की बात है, भाई उनको जो पट रहा था कि भाई उद्धव जी जो है अपनी मेन लाइन को छोड़ के अपनी लाइन से हट के काम कर रहे, ऐसा उनको लग रहा था, इसीलिए उन्होंने शिंदे जी के साथ जाना उचित समझा। चलिए।
आप क्या कहेंगे इस बारे में? वो तो महाराष्ट्र की शिवसेना जो है जंगल में, जो महाराष्ट्र शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो संविधान को लेकर चलती है, उस पक्ष में उनको जो लगा, जो भी शिंदे गुट को लगा, उस पक्ष के साथ वो गए हैं। यानी उनकी हिंदूवादी विचारधारा थी और उनके वहाँ वाद विवाद में पट नहीं रही थी, क्योंकि उनके डिसीजन थे, उसको देखते हुए वो आगे चले गए। तो उनको कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट मिला है, उसी वजह से उन्होंने जो फैसला लिया मेरे हिसाब से तो सही है। सही है, बहुत बहुत। महाराष्ट्र सरकार में जो एक फैसला चला था, राहुल नार्वेकर जी ने जो फैसला दिया शिवसेना के बारे में, उस विषय में आपका क्या कहना है? शिंदे ग्रुप के जो 16 विधायक थे उनको अपात्र का करार नहीं दिया गया, क्या निर्णय उचित है आपके हिसाब से? एज अ लॉयर मैं आपसे जानना चाहूंगा। नहीं किया हमने, ये आप दूसरे किसी और को सवाल पूछ ले, इस पर स्टडी नहीं किया अपन, स्टडी नहीं किया। चलिए, आपके हिसाब से शिवसेना किसकी होनी चाहिए थी, शिंदे ग्रुप की या फिर उद्धव जी की? अगर आप देखें संवैधानिक हिसाब पे अगर हम बात ना करें, और अगर मॉरल वैल्यूज में देखें आप और सेंटिमेंट के हिसाब से देखें, तो शिवसेना बाला साहेब जी ने खड़ी की, बाला साहेब जी ने उसका संगठन को संगठित किया, उस हिसाब से एक सेंटिमेंट्स जुड़े हैं जो उद्धव जी आए हैं बाला साहब के बाद। तो अगर हम वैसा देखें तो ये अगर इस हिसाब से अगर बढ़ता तो एक तरीके से कांग्रेस बन जाता। तो वो एक ट्रेंड टूटते हुए एक ऐसा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा है यहाँ पे, जो काबिल है वो बन रहा है, जिसे जनता चुन रही है, जिसे बाकी के उनके पार्टी के लोगों ने चुना है, ये देखा जाए तो उनके पार्टी का डिसीजन है, इस पर कोई जनता का डिसीजन नहीं है, ये हमारा डिसीजन नहीं है, ये पार्टी का इंटरनल मैटर था, इंटरनली उन लोगों ने डिसाइड किया, लोग उधर चले गए, उन्होंने पार्टी को ज़्यादातर मैक्सिमम पार्टी का पार्ट उस तरफ जाने की वजह से शिंदे जी की हो गई। तो आप उससे सहमत है कि वो उचित हुआ? ये उचित अनुचित बोलने के लिए मैं आपकी पर्सनल राय पूछ रहा हूँ। पर्सनल राय के हिसाब से देखिए, जिस तरीके से हो रहा है राजनीति, अभी जिस तरीके से चल रहा है, बोलना नहीं चाहिए पर कमल तो वहीं खिल रहा है, जहाँ कमल खिल रहा है वहीं पे सब है, बाकी हर जगह कीचड़ है। अच्छा, तो मतलब अभी ये कीचड़ हुआ या फिर वाकई यहाँ कमल खिल गया है और वहाँ कीचड़ में धस गया है? इसे खिलना बोलेंगे या फिर कीचड़ बोलेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, एक तरफ खिल गया है, एक तरफ कीचड़ उछला है। हाँ, तो इस फैसले को क्या बोलेंगे हम? मैं फैसले की बात कर रहा हूँ। कमल खिला है जी, कमल खिला है। खिला है बोलेंगे, कीचड़ नहीं बोलेंगे। खिला है जी। सर, राहुल नार्वेकर जी ने अभी हाल ही में एक फैसला लिया कि शिवसेना किसकी, इसके बारे में बहुत बड़ा बवाल पूरे राष्ट्र में मचा हुआ था, पूरे देश में मचा हुआ था, और हाल ही में उनका एक फैसला आया है कि शिंदे ग्रुप की ही शिवसेना है। तो इस फैसले से आप सहमत है? अपनी राय जानना चाहूँगा। मैं सहमत तो नहीं हूँ। क्यों सर? मतलब जैसे राजकारण चल रहा है, उस राजकारण के हिसाब से तो वो मतलब सही नहीं लग रहा है। सही नहीं लग रहा है। हाँ। तो आपके हिसाब से शिंदे ग्रुप को शिवसेना नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो 16 विधायक है वो अपात्र नहीं है। हाँ। उनको लीगलाइजेशन मिला है। हाँ। तो क्या ये फैसला उचित है? नहीं, उचित तो नहीं है। नहीं है। नहीं। तो उद्धव जी जो फैसला ले रहे हैं कि कहीं तो भी अभी वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट से आप क्या उम्मीद रखते हैं? आप क्या उम्मीद? पॉजिटिव होना चाहिए उद्धव ठाकरे जी का, उनके पक्ष में जाना चाहिए, उनके पक्ष में जाना चाहिए। तो आपके हिसाब से राहुल नार्वेकर जी ने जो फैसला दिया वो इस तरह से लेने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? वजह अभी उन्होंने उस हिसाब से लिया है, अभी संविधान को ना मतलब संविधान को मतलब क्या बोलती हूँ, संविधान के तौर से उन्होंने लिया है, तो उन्होंने उनके हिसाब से लिया है, लेकिन इन जनरल पब्लिक को आप पूछेंगे तो सही नहीं है। सही नहीं है। हाँ। लेकिन बहुत से लोग इस फैसले से खुश भी है। खुश हो सकते हैं, लेकिन हर एक का अलग अलग विचार है कि किस तरह से मतलब क्या होना चाहिए। अभी राजकारण बहुत ही ज़्यादा ऐसा मतलब ये हो गया, तो मुझे तो लगता है कि ठाकरे पक्ष में ही मतलब जाना चाहिए, ठाकरे पक्ष में ही उनके पक्ष में जाना चाहिए था, पर वो नहीं हो सका। बहुत बहुत। अभी
जो सरकार अभी है महाराष्ट्र के अंदर में, तो इन्होंने महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इन्होंने गाड़ियों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए और अनाज के ऊपर में टैक्स महंगा कर दिए। चावल है, सब्जी भाजी है, हर चीज़ महंगा होते जा रहा है। लेकिन उनका कहना यह है कि शहर में अगर देश में अगर विकास करना है तो टैक्सेशन के जरिए ही तो पैसा आता है ना भाई। विकास करना है तो भाई लोगों को भूखा रख के विकास करेंगे क्या? लोगों को मतलब खाने पीने को तो होना। आज जो निम्न वर्ग के लोग हैं, आज उनके खाने पीने के लाले हैं। आज महंगाई गैस, आज 1000-1200 रुपये गैस सिलेंडर है। पेट्रोल के रेट देखो तो 100 रुपीस के ऊपर पेट्रोल है। फिर हमारे गाड़ियों के ऊपर में टैक्स, इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए है, यानी गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाते, गाड़ियों की ठीक से इंस्टॉलमेंट नहीं निकल पाते ना ठीक से भर पाते। तो ये गवर्नमेंट जब से आई है तो इन्होंने डबल ट्रिपल चौबल यानी टैक्स। कौन सी गवर्नमेंट? ये जो अभी आई है वो शिंदे फडणवीस जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है। अभी जो शिंदे भी आया तो वही है, चेले एक दूसरे के। अच्छा, ऐसा आप मानते हैं? ऐसा आप मानते हैं? हाँ, ऐसा हम मानते हैं कि भाई जब शिवसेना छोड़ के जब बीजेपी में गए हैं तो बीजेपी वाले तो वो तो उनका। लेकिन कहीं तो भी अभी तो शिवसेना इनको दे दी गई है ना, इनको शिंदे जी को, क्योंकि राहुल नार्वेकर जी का तो फैसला था ना कि ये सारे 16 के 16 जो विधायक है ये पात्र नहीं है और शिवसेना मूलतः इन्हें दी जाए, तो ये फैसला उचित है? नहीं, उचित नहीं है। नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि जो अपात्र है अभी सरकार उन्हीं की है, बीजेपी की सरकार है, तो वो तो उन्हीं के फेवर में लगेगा। तो कहते हैं सत्ता में वो लोग बैठे इसलिए उनके फेवर में निर्णय गया है। उनके निर्णय में जा सकता है और गया हूँ, गया भी है। हाँ। सरकार उन्हीं के है हर जगह, मतलब जहाँ देखो सारे फैसले उन्हीं के फेवर में जा रहे हैं। उनकी सरकार है तो उन्हीं के फेवर में जा रहे हैं, तो जनता को यानी कहीं से राहत नहीं मिल पा रहा है। वो एक तो रोजी रोटी से ये हो जा रहा है, दूसरा तुम्हारा महंगाई इतनी बढ़ गई है और लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, और बहुत से यानी गाड़ियों के ऊपर में भी टैक्स, अनाप शनाप टैक्स लगा है, इंश्योरेंस के टैक्स बढ़ गए हैं। तो टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं? टैक्सेस बढ़ा दिए गए, लाइसेंस बनाने जाओ, हर चीज़ में बढ़ोतरी हुई है, हर चीज़ में बढ़ोतरी हो गई है। तो ये चीज़ें कांग्रेस ने इतने साल करी है, लेकिन उसके राज में इतना यानी 2% 3-4% ऐसा बढ़ा नहीं, महंगाई नहीं बढ़ी है, ये नॉर्मली था और उन्होंने लेके चला, जनता खुश थी उनके उनके समय उनके ज़माने में। आज ये जब से बीजेपी आई है जब से जनता कोई खुश नहीं है। राहुल नार्वेकर जी का हाल ही में फैसला आया कि शिवसेना शिंदे जी को दे दी गई है, तो क्या ये फैसले से आप सहमत हैं? हाँ, सहमत हूँ। सहमत है आप? हाँ। मतलब इन्हें ही देनी चाहिए थी? ये नहीं देना चाहिए। क्यों ऐसा? ऐसा क्योंकि कैसा है, उनका काम बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है। और अपन किसी के बारे में बोल भी नहीं सकते। क्यों? कि वो ऐसे नहीं बोल सकते कि अपन कौन होते किसी के बारे में बोलने, उनकी लाइफ है, उनकी पर्सनल लाइफ है, और वो उसमें इन्फेयर क्यों करें? ठीक है, अब कोई बीजेपी के बारे में बोलता है, किसी कांग्रेस के बारे में बोलता है, जो तो दिन चल रहे हैं वो तो किसी ना किसी के हाथ में तो आने ही है, वो कांग्रेस की सत्ता हो या फिर बीजेपी की सत्ता हो, लेकिन जो भी तो है। कल को फिर अजीत दादा भी खड़े हो जाएंगे राष्ट्रवादी के चिन्ह के लिए और इसके लिए, तो अजीत दादा को दे दी जाएगी फिर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता ना। कैसे अजीत दादा को देखिए, यहाँ पर ऐसा हो सकता तो वहाँ पर भी हो सकता? नहीं हो सकता ना, एक इंसान से बोलने से नहीं होता ना, उसके लिए तो लाखों लोग होना। क्लेम तो इन्होंने भी किया है ना उसके लिए? नहीं नहीं, क्लेम उन्होंने किए आपकी बात सही है, लेकिन कैसा है जो चीज़ के आने के लिए तो उसके लिए तो लाखों लोग चाहिए ना, तो एक ही व्यक्ति से नहीं होता है ना। तो इनके पास भी तो है ना आमदारों की संख्या, विधायकों की संख्या अच्छी बड़ी संख्या इनके पास अभी है ना, बाद में नहीं भी हो सकती है ना, बाद में नहीं भी हो सकती है ना। अच्छा, अभी देखो, अभी जैसे अभी बीजेपी पार्टी का भी माहौल चल रहा है, ठीक है ना,
मोदी लहर चल रही है तो चल रही है ना, सही बात है। जो काम कर रही है सही कर रही है, मेरे हिसाब से सही कर रही है। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, ऑनलाइन लाके बहुत अच्छा काम करे, लोगों की औकात तो पता चल गई। लोग बोलते कि मैं गरीब हूँ, आज लोगों के आखिर में 50-60 हज़ार रुपये जा रहे हैं। एक टेल फेरी वाले बोलते कि मैं गरीब हूँ, कौन बोलता, कोई गरीब नहीं है। ठीक है, आज इंसान 500 से 1000 रुपये कमा रहा है रोज, आज तो 30 हज़ार रुपये महीना हो गए। ठीक है, पहले 30 हज़ार की आवक नहीं थी, आज उन्होंने 30 हज़ार की आवक कैसी है इन्होंने सब बताया। सब चीज़ें ऑनलाइन से, कोई डॉक्यूमेंट के अपने को दिखने के लिए ऑफिस के चक्कर काटना पड़ता था, आज एक चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, नंबर क्लिक करो रिकॉर्ड मेंशन हो जाता है और न अपने को जो सर्टिफिकेट है वो अभी अवेलेबल हो जाता है। ठीक है ना, और दूसरी मैंने जो गरीबी जो है देखो कैसा रहता है, पहले भी गरीब थे और अभी भी गरीब है और आगे चल भी गरीब रहेंगे। तुम्हारे पास में कितना भी रंग हो, कोई नहीं बताने वाला कि मेरे पास में, अगर ईमानदारी से अगर 10 रुपये मांगने जाए तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अगर वो अगर बेईमानी से अगर मांगने जाए तो 10 की जगह 100 निकल जाते हैं ऐसा। तो आप मानते हैं कि आप इन सारे विकासों से आप सेटिस्फाइड है? 100% लेकिन कहीं तो भी अगर आप लोग शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो ये सरकार तो उन सारी चीजों को इग्नोर कर रही है। एक बात बताऊं ना, सरकार पहले इसके पहले कांग्रेस की भी थी ना, तब भी शिक्षा और स्वास्थ्य भी था, आज बीजेपी है शिक्षा स्वास्थ्य रहेगा और कल कोई रहे तो वो भी रहेगा। ये सब चीजें जो होती है ना वो पॉलिटिक्स, मतलब इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया जाए तो कोई इग्नोर की बात नहीं करता, मैं तो इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो पिछले 10 सालों में इसमें तो कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं, मैंने ऐसा बोल ही नहीं सकते। अभी देखो मेरे पास में लिस्ट नहीं है तो मैं तो वो भी बता देता था, ऐसी कुछ नहीं बात है। हॉस्पिटल बने हैं, अभी नया मेडिकल का हॉस्पिटल चालू है। कहाँ पर? मेडिकल में अभी नया हॉस्पिटल चलने वाला है, ऐसे जरूरी नहीं है कि नहीं है करके। अभी मेयो हॉस्पिटल पहले कैसा था, अभी जो देखो आज मेट्रो तो पुराना ही है ना। नहीं, ये पुराना है तो अभी जाके उसका कंडीशन देखो ना, उसकी कंडीशन देखो ना, पहले को और अभी में फर्क देखो ना। इंसान छोटा नहीं रहता, बड़ा होते रहता है, लेकिन नहीं एक बच्चा अगर सबने अगर जन्म से पैदा होता है तो वो बड़ा होते रहता है, वैसे इम्प्रूव होते रहेंगे। अब वो बीजेपी करे या कांग्रेस करे, मैं उनके किसी के बारे में नहीं बोलना चाहता, जिसके मन में आता है वैसे करते जाते, क्योंकि वोट देने वाला मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता। ठीक है, मैं मेरा वोट बीजेपी को जाए या कांग्रेस को जाए वो मेरा कहता है, मेरा पर्सनल मेरा पैसा मैटर, मैं दिखा के नहीं बोलूंगा कि मैंने बीजेपी को दिया नहीं दिया। देखो हजारों लाखों की संख्या रहेंगे तभी वो व्यक्ति चुन के आएगा। वो आप मैं बोले अगर मैं नहीं दूंगा, अगर ऐसे हजारों लाखों लोग बोलेंगे कि मैं नहीं दूंगा तो वो व्यक्ति नहीं आएगा। आमदन संख्या भी बड़ी है, कल घट भी सकती है और उससे बढ़ भी सकती है, कल का रेशो है। थैंक यू वेरी मच सर। सर, हाल फिलहाल में अभी एक नार्वेकर जी का फैसला आया शिवसेना को लेकर कि शिंदे साहब के पक्ष में शिवसेना दी गई है, उनके 16 विधायक को अपात्र करार ना देते हुए पात्र करार दिया गया, इस विषय में आपकी अपनी राय क्या है? शिंदे साहब की तरफ दी है जो 16 आमदार, हाँ, क्या ये फैसला उचित है आपके हिसाब से? उचित है कैसे जानना चाहेंगे, आपके हिसाब से कैसे उचित है और अगर नहीं है तो कैसे नहीं है, दोनों पक्ष जानना चाहोगे? दोनों पक्ष बताना पड़ेगा बताना पड़ेगा अब दोनों पक्ष, नहीं पक्ष क्या बताना, अब सोलम में इसकी आमदार इसकी तरफ ये है, हाँ क्या बताएंगे, बाकी आमदार तो ये फैसला ठीक था आपके हिसाब से? हाँ ठीक है। क्यों ठीक लगा? बस उतने तो अपन राजनीति में नहीं है मगर फिर भी ठीक लगा। सर आप क्या कहेंगे, आपके हिसाब से फैसला आया? अच्छा फैसला आया, अच्छा फैसला आया। आप वो फैसले के पक्ष में हैं? बिल्कुल। तो कल को अगर शरद चंद्र पवार की जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस जी अजीत पवार ने दावा कर लिया तो फिर फैसला किसके पक्ष में जाना चाहिए? फैसला तो शरद पवार जी के इसमें जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनकी जन राष्ट्रवादी कांग्रेस, तो फिर इधर तो बाड़ा साहब की थी ना शिवसेना, तो ये तो वो दे दिए ना उसको चुनाव चिन्ह, हाँ तो ये देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? नहीं देना चाहिए, इसको देना चाहिए था बाला साहब ठाकरे को, उद्धव जी को, उद्धव ठाकरे। तो अभी तो आपने कहा कि वो फैसले के आप चिन्ह जो है वो उसको देना चाहिए था, क्योंकि उसके बाला साहब ठाकरे ने दिया चिन्ह उनका था वो, अब पक्ष बोले तो अभी ऐसा देखा जाए तो पक्ष चिन्ह तो इस पे जाना चाहिए था बाला साहब ठाकरे था, उद्धव जी को, उद्धव ठाकरे था, लेकिन चिन्ह भी इनके पक्ष में गया, चिन्ह भी इनके पक्ष में गया, तो कहीं तो ये फैसला ठीक नहीं है, ये बराबर उतना नहीं है, मगर आना था बाला साहब ठाकरे तरफ, चिन्ह उनका ही चाहिए, बनाया उन लोग ने शिवसेना, वही था करता धरता तो वही थे। आप क्या कहेंगे जी? मेरे भाई लोग का जो कहना है वो भी मेरा कहना।